दोस्तों ये है 2024 मॉडल मारुति अल्टो K10। अभी इस गाड़ी में लगभग 40-50 हज़ार रुपये का डिस्काउंट चल रहा है नवरात्रि की वजह से, और ये ऑफ़र आपको पूरे अक्टूबर के महीने में मिलेगा। अभी तो धनतेरस और दिवाली आने वाली है, तो ये ऑफ़र आपको मिलता रहेगा। लगभग 40-50 हज़ार रुपये का डिस्काउंट है, और इतना डिस्काउंट मायने रखता है एक छोटी सी गाड़ी में। तो आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस है सत्यम मोटर्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल। ये आपको भोपाल में शोरूम मिलेगा, इसमें आप जाके बात कर सकते हैं और मेरा वीडियो दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको 100% 40 हज़ार रुपये का कम से कम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी में आपको क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, क्या सेफ्टी मिलती है, ये गाड़ी पेट्रोल और CNG में कितने KMPL का माइलेज देती है, और आप कम से कम कितना डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। गाड़ी का पूरा सामने से डिज़ाइन देख लीजिए, बीच में लोगो मिल जाता है बड़े साइज का, क्रोम पे लोगो दिया है, और नीचे हनीकॉम टाइप की ग्रिल मिल जाती है मैट ब्लैक कलर की। और सामने बम्पर देखेंगे तो यहाँ पे एसेसरीज का पार्ट लगा हुआ है। पूरा हेडलैम्प यूनिट का डिज़ाइन देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन बल्ब का यूज किया है। पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है, और ये 2024 का पूरी तरह से न्यू मॉडल है। साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और ये अल्टो K10 का VXI प्लस टॉप मॉडल है। मैं आपको बेस मॉडल की प्राइस भी बता दूंगा अगर आप बेस मॉडल ख़रीदना चाहते हैं तो। यहाँ पे 13 इंच के टायर मिल जाते हैं स्टील लिम के साथ, ABS और EBD सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है ये गाड़ी। आगे और दोनों टायर में डिस्क ब्रेक दिए हैं, फेंडर पे टर्न इंडिकेटर है, ORVM मैट ब्लैक कलर में है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टॉप मॉडल में होनी चाहिए थी, जैसे ORVM पे टर्न इंडिकेटर होना चाहिए था, 360 व्यू कैमरा देना चाहिए था टॉप मॉडल में। पूरा विंडो एरिया देख लीजिए, अच्छा खासा बड़े साइज का है। नीचे एक क्रोम गार्निश लगी हुई है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, लेकिन इसकी वजह से गाड़ी का लुक शानदार लगने लगता है, पूरी तरह से प्रीमियम लगने लगती है गाड़ी। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल मिल जाते हैं, पीछे वाले दोनों टायर में ड्रम ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक है, व्हील आर्च लगा हुआ है मैट ब्लैक कलर का, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। गाड़ी की छत देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन है, यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। लेकिन अगर आप लगवाते हैं ना ये चीज़ें तो गाड़ी दमदार दिखने लगती है, थोड़ा सा मस्कुलर फील होती है। पूरा ग्लास एरिया देख लीजिए, ऊपर हाई स्टॉप माउंटेन लैम्प मिल जाता है। पूरा टेल लैम्प यूनिट का डिज़ाइन देखेंगे तो बढ़िया लगता है। इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लैम्प और ब्रेक लाइट, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। अल्टो K10 की बैजिंग है, बीच में लोगो है, नीचे देखेंगे तो बूट ओपन करने के लिए मिल जाता है, चाबी लगा के बूट ओपन करना पड़ेगा। और रिवर्स पार्किंग लैंप देखेंगे तो सिर्फ आपको लेफ्ट साइड में मिलता है, राइट साइड में नहीं मिलता, सिर्फ एक ही साइड दिया है। यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी गई है। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे 360 व्यू कैमरा दे देना चाहिए था टॉप मॉडल में, गाड़ी और भी बढ़िया हो जाती। पूरा साइड का डिज़ाइन देख लीजिए, यहाँ पे 27 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों ही फ्यूल ऑप्शन के साथ मिल जाती है, और दोनों में ही बेहतरीन माइलेज क्लेम किया जाता है। 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, और कच्चे रास्तों में भी आप आसानी से लेके जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए आप चाबी लगा के ओपन कर सकते हैं, या ड्राइवर साइड आपको लीवर मिल जाता है। एक बार मैं लास्ट में बूट ओपन करके भी दिखा दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि कितने लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। सबसे पहले ड्राइवर साइड का डोर ट्रिम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो डोर पूरी तरह से ओपन हो जाता है, गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डोर की ओपनिंग देखेंगे तो डार्क कलर का ही यूज किया है। ऊपर ORVM को एडजस्ट करने के लिए डंडी मिल जाती है, नीचे सिल्वर कलर में ओपनर है, पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है। बॉटल रखने के लिए जगह मिल जाती है, चारों डोर पे 4 स्पीकर मिल जाते हैं। एक बार आप पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देख लीजिए अच्छी तरह से। आगे वाली दोनों सीट देखेंगे तो फैब्रिक में मिल जाती हैं, यहाँ पे सीट कवर लगा हुआ है और अच्छी क्वालिटी का सीट कवर है, दोनों फिक्स वाले हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सीट को रिक्लाइन करने के लिए मिल जाता है और आगे पीछे कर सकते हैं। हाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, मुझे ये भी लगता है कि टॉप मॉडल में ये चीज़ भी देनी चाहिए थी, जब टॉप मॉडल है तो सभी चीज़ें होनी चाहिए थी। यहाँ पे AC वेंट मिल जाता है, सराउंडिंग में सिल्वर कलर है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, यहाँ पे कुछ आपको बटन मिल जाते हैं, नीचे ABC पैडल है, कोई भी डेड पैडल वगैरह नहीं मिलता। यहाँ पे आप चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे बूट और फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए दिया है, एक बार मैं बूट ओपन कर देता हूँ, पीछे चल के आपको सभी चीज़ें बता दूंगा कि कितने लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब चलिए एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं और अंदर का पूरा डिज़ाइन देखते हैं, क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ, पीछे कर लेता हूँ थोड़ी सी।
पूरा स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन देख लीजिए, ये राउंडेड वाला है, बीच में लोगो मिल जाता है, नीचे एयरबैग और हॉर्न दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा सिल्वर कलर है, अलग से हाईलाइट होता है। इधर म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल दिया है, फ़ोन उठाने काटने और वॉइस कमांड का कंट्रोल भी मिल जाता है। ये कवर भी लगा हुआ है, एसेसरीज का पार्ट है। इधर वाइपर का कंट्रोल है और इधर राइट साइड में देखेंगे तो हेडलैम्प और इंडिकेटर का कंट्रोल दिया है। स्टेयरिंग व्हील पूरी तरह से फिक्स मिलता है। सामने एक क्लस्टर देख लीजिए, पूरी तरह से डिजिटल वाला है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। पूरी तरह से ये फिक्स वाला स्टेयरिंग व्हील है, आप इसको ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे सेंटर कंसोल पे। ये वाला पूरा एरिया देखेंगे तो बढ़िया लगता है। ऊपर एसी वेंट दिए हैं, 7 इंच का टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आता है। बस रियर पार्किंग कैमरा और दे देते ना तो मज़ा आ जाता, इतना बड़ा डिस्प्ले है तो यूज में आ जाता। हजार्ड लाइट, आगे वाले दोनों पावर विंडो के बटन दिए हैं, नीचे मैनुअल एसी मिल जाता है, कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी और ऑक्स के सपोर्ट, ये सभी मोबाइल चार्जिंग के सपोर्ट हैं। नीचे मोबाइल रख सकते हैं, 2 कप होल्डर है। 5 गियर वाली ये गाड़ी है, 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। हैंड ब्रेक मिल जाता है, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, पूरी तरह से मैनुअल IRVM है। कैबिन लाइट मिल जाती है हाइलोजन पे, बात करने के लिए माइक दिया है। इधर को ड्राइवर साइड देखेंगे तो ऊपर सनवाइजर मिल जाता है, और ड्राइवर साइड भी देखेंगे तो सिर्फ सनवाइजर ही है, टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया है। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखिए आप एक बार अच्छी तरह से। नीचे एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, अच्छे साइज का है, इसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। बस यहाँ पे मुझे लगता है कि बस म्यूजिक सिस्टम इतना बड़ा है, यहाँ पे अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है तो रियर पार्किंग कैमरा दे देना चाहिए था। एक बार मैं बूट ओपन कर लेता हूँ, पीछे चल के आपको सभी चीज़ें बता दूंगा। अब चलिए एक बार पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। एक चीज़ मुझे और लग रही है, जैसे ये टॉप मॉडल है तो पीछे भी पावर विंडो दे देने चाहिए थे, ये मैनुअल वाला दिया है तो थोड़ा सा ऑड लगता है, बेस मॉडल टाइप से ये चीज़ें लगती हैं। यहाँ पे ओपनर है, बस यही चीज़ मुझे लगती, 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगती है कि दे देनी चाहिए थी टॉप मॉडल में। यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिल जाता है, चारों डोर पे 4 स्पीकर हैं। सीट को आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और इसको सेट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सामान है आपके पास तो आप सीट को फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद भरपूर सामान रख सकते हैं। पीछे वाले सीट में 2 लोग आराम से बैठ जाते हैं और 3 लोग भी मैनेज हो जाते हैं। छोटी सी गाड़ी है लेकिन एरिया अच्छा मिल जाता है, जगह अच्छी दी गई है। अब चलिए एक बार पैसेंजर साइड का डोर बंद करते हैं और बूट स्पेस देख लेते हैं कितने लीटर का मिलने वाला है। ऊपर स्पॉइलर वगैरह ये सभी चीज़ें लगी हुई हैं, ये आपको एसेसरीज में लेना पड़ेगा। पीछे कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलती, नॉर्मली आपको की लगा के ही बूट ओपन करना पड़ेगा। और ये VX5+ टॉप मॉडल है तो यहाँ पर आपको पार्पल ट्री भी मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की। नीचे देखेंगे तो छोटे साइज के बैग आराम से रख सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा बूट चाहिए, ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत है तो आप पीछे वाली सीट को फोल्ड कर दीजिए। नीचे यहाँ पे स्टेपनी रखी हुई है, स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, कोई भी बूट लाइट वगैरह भी नहीं मिलती। 214 लीटर का बूट स्पेस दिया है और ठीक ठाक साइज का, जिस हिसाब से आपको ये गाड़ी मिलती है छोटी सी। यहाँ से आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं, 27 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। अब चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन और माइलेज की, और उसके बाद प्राइस की। K10C सीरीज का 998 cc का BS6 Phase 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है, 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस गाड़ी में पेट्रोल में 24 किलोमीटर पर लीटर का और CNG में 34 किलोमीटर पर KG का माइलेज क्लेम किया जाता है। और इसकी कीमत की बात करें तो बेस मॉडल की कीमत है 3,99,000 रुपये, और ये ऑन रोड आपको लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। और VX5+ टॉप मॉडल की कीमत है 5,35,000 रुपये, और ये ऑन रोड आपको लगभग 5,80,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और अभी ऑफर चल रहे हैं तो थोड़े से कम रेट में मिल जाएगी, तो आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं। अगर आप इसको किस्त में ख़रीदना चाहते हैं तो लगभग 50,000 रुपये का डाउन पेमेंट करके ख़रीद सकते हैं और इस गाड़ी को अपने घर ले जा सकते हैं। और अगर आप CNG वाला मॉडल ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। CNG आपको LX5 और VX5 मॉडल में मिलेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।